अगर आप पहली बार फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे हैं, विमान में यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहली बार यात्रा करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितने समय पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहिए, क्या वहाँ पर सुरक्षा जांच में क्या क्या होता है, किन किन किस टाइम पर मैं फ्लाइट के डिपार्चर टाइम से कितने घंटे पहले पहुँचना चाहिए, बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय गाइज, मैं शुभम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शुभम परिडवाल। मैंने फ़्लाइट में यात्रा की थी कल 16 मार्च 2018 को। जयपुर से दिल्ली तक का सफ़र था और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। मैं हमारा सारा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज डेट हो चुकी है 17 मार्च और 11:51 हो चुके हैं। मैं फ़िलहाल सो के उठा हूँ और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ में शेयर करूँ, ताकि लोगों को परेशानी ना हो बैक टू बैक किसी भी चीज़ में, या मतलब आपको कैसा क्या करना वहाँ पे फ़्लाइट पे सारी चीज़ें। सबसे पहली बात आपको जो मैं बताने वाला हूँ, आपका जो फ्लाइट कंपनी है, इंडिगो, स्पाइसजेट, कोई सी भी कंपनी, सारी कंपनियाँ आपको टिकट बुक करने के बाद में वेब चेक इन की प्रोसेस देती है। वेब चेक इन का मतलब ये होता है कि आपको वहीं से आपकी जो लैपटॉप है या मोबाइल है, वहीं से आप सीट नंबर चूज कर सकते हैं और वहीं से आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा, वो आप प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा बोर्डिंग पास आपको मिलने वाला है। अब वेब चेक इन का फ़ायदा ये है कि वेब चेक इन करने से हमें हमारी मनचाही सीट मिल जाती है, क्योंकि अगर आप बोर्डिंग के टाइम जाओगे, मतलब सुबह फ्लाइट में जाओगे, सुबह एयरपोर्ट जाओगे और उस टाइम टिकट लोगे, तो वहाँ पे आपको हो सकता है विंडो सीट ना मिले या फिर आपको जो मनपसंद सीट ना मिले। वेब चेक इन में बेसिकली होता ये है कि आप खुद अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हो और सीट सेलेक्ट करने के बाद में आप एयरपोर्ट जाके सीधा इसी प्रिंटआउट से सीधा फ्लाइट में सुरक्षा चेक इन से सीधा फ्लाइट में जा सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने वेब चेक इन कर लिया था, 21A नंबर सीट सेलेक्ट कर ली थी। हाँ, बेसिकली एक और बात बताना चाहूँगा मैं, अगर आप वेब चेक इन करते हैं तो आपको करीबन 17 फ्लाइट में करीबन 30-35 सीटें रहेगी इंडिगो की फ़्लाइट में, मतलब रो वाइज एक रो में 6 सीट, दो विंडो एक रो में 30-35 सीट रहती है। तो 17 नंबर वाली सीट से पीछे वाली जो सीटें हैं वो सारी फ्री रहेगी, और आगे वाली सीटों में करीबन 100 या 200 रुपये चार्ज लगेगा जो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप आगे वाली सीटें लेते हो, मगर पीछे वाली सीटें सारी फ्री रहती हैं। वेब चेक इन में होता है केवल ये, अगर आप एयरपोर्ट जाके लेते हो तो सारी टिकटें आपको फ्री मिलती है, केवल 4 या 5 टिकटें जिनमें लेग रूम ज़्यादा होता है वो महंगी मिलती हैं। तो मैंने वेब चेक इन कर लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 21A नंबर की सीट सेलेक्ट कर ली थी। तो हुआ ये, तो ओके मैंने वेब चेक इन कर लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया, उसके बाद में सुबह मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे की। अगर आपकी फ़्लाइट 6 बजे की है सुबह, तो आपको करीबन 1.5 घंटे या 1.25 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा अगर आपने बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिया है तो। अगर आपने बोर्डिंग पास प्रिंट नहीं किया है तो आपको करीबन 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा, उसके बाद में इंडिगो की सारी एयरलाइंस की अलग अलग जो स्टॉल्स है वो लगी हुई होगी वहाँ पर, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंडियो की जो स्टॉल है वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे आ जाके आपको बोलना होगा कि मैम मैंने फ़्लाइट बुक की थी और ये मेरा PNR नंबर है, अगर आपके पास मोबाइल में मैसेज आया होगा, आप किसी वेबसाइट से बुक, ये मेरा PNR नंबर है और आप मुझे टिकट दे दीजिए। तो आप जैसे वहाँ पे वो PNR नंबर दोगे तो आपको ऐसी टिकट मिल जाएगी, क्योंकि पहली बार हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहता है ऐसी टिकट लेने का। तो ऐसी टिकट देने के बाद में वहाँ पे आपको बोलेंगे कि मैडम कि आपने वेब चेक इन कर लिया, प्रिंट आउट लाए होंगे ना, तो आप बोल दीजिए मैम प्रिंट आउट घर पे रह गया, मुझे आप ऐसा जो टिकट है बोर्डिंग पास है वो दे दीजिए। बोर्डिंग पास देने के बाद में आपको करीबन वहाँ पे, अगर आप जल्दी पहुँच जाते हो तो थोड़ी देर वेट वेट कीजिए, आपकी फ़्लाइट 6 बजे है, तो आपका जो जो सुरक्षा की प्रोसेस है, मतलब सिक्योरिटी चेक की प्रोसेस है, वो करीबन 1 घंटे पहले शुरू हो जाएगी। 6 बजे की फ़्लाइट है तो 5 या 5:15 बजे आपको बोर्डिंग शुरू हो जाएगा, मतलब बोर्डिंग का मतलब ये है कि आप एक टिकट लेके सुरक्षा की ओर प्रस्थान करेंगे। वहाँ पे आपका बैग चेक किया जाएगा, बैग में जो मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह है वो सारी चीज़ आप बैग में रख दीजिए, उसके बाद में बैग स्कैनिंग के थ्रू निकलेगा वहाँ से, और आपको जो सिक्योरिटी चेक है वो किया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए बैग में वजन करीबन 7 किलो ही होना चाहिए, 7 किलो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 7 किलो से एक्स्ट्रा बैग लेके जा रहे हो तो दूसरा जो चेक इन बैग आता है मतलब वो अमेरिकन टूरिस्टर वाला लटकाने वाला चलने वाला, वो ले जाइए, वो 15 kg तक फ्री रहता है। 7 किलो का हैंड बैग और 15 kg तक चेक इन बैग फ्री रहता है। तो चेक इन बैग की प्रोसेस अलग होती है, वहाँ पे जो जब टिकट लेते हो आप वहाँ पे अपना बैग छोड़ सकते हो, एक टैग देंगे आपको और वो सीधा बैग आपके फ्लाइट में पहुँच जाएगा, उसके बाद में आप आते टाइम वापस एयरपोर्ट पर उसे ले सकते हो,
ठीक है, चेक इन की प्रोसेस मतलब जो सिक्योरिटी चेक की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद में आपको वहाँ पे बोर्डिंग पास में ये गेट नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट नंबर मेरा 1A गेट नंबर है, तो आपको प्रस्थान करना होगा 1A गेट नंबर की तरफ। हाँ एक बात यहाँ पे मिसिंग रह गई, अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हो तो आपको बेहतर होगा कि आप विंडो सीट ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे 21A सीट ली थी जो कि एक विंडो सीट थी। अगर आपने वेब चेकिंग कर लिया तो आप विंडो सीट मिल जाएगी। अगर आप एयरपोर्ट से टिकट ले रहे हो तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको विंडो सीट ही दे ताकि आप व्यू का आनंद ले सके। हाँ अगर आपको हाइट से डर लगता है तो विंडो सीट ना ले, हो सकता है आपको उल्टी हो या फिर ब्लड प्रेशर हाई या लो होने की परेशानी हो। ठीक है, सुरक्षा चेक इन हो गया। अब साइड में हम गेट नंबर के पास में जाते हैं। गेट नंबर के पास में जाने के बाद में आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी जो एयरलाइंस की बस है वो सामने खड़ी होगी, मतलब आपके जो गेट के सामने एयरलाइंस की बस खड़ी होगी। वहाँ से आपको टिकट का इधर वाला हिस्सा स्कैन करवाना है और वहाँ से उस बस में बैठना है। बस आपको फ्लाइट तक छोड़ेगी, फ्लाइट जहाँ पे खड़ी होगी आपकी वहाँ पे छोड़ देगी। वहाँ से छोड़ने के बाद में आपको जो पूरा टिकट वहाँ पे मैम खड़ी रहेगी, वहाँ मतलब एयरलाइंस की मैम को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, उनको एक साइड का टिकट का हिस्सा आपको फाड़ के देना है। उसके बाद में आपको फ्लाइट में ऊपर चढ़ जाना है। अगर आपकी सीट नंबर 1 से 15 तक है तो आपको आगे के गेट से प्रस्थान करना होगा। अगर आपकी सीट नंबर 15 से 30 तक है तो आपको पीछे के गेट से प्रस्थान करना होगा। सो यहाँ मैं 5:30 या 6:45 बजे 5:30 बजे मेरे फ्लाइट में पहुँच गया था, बैठ गया था और मुझे अचानक से कुछ फील हो रहा था कि यार उड़ेगी, डर लगेगा, मतलब थोड़ा धक 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 करता ना वैसे करने लग गया था। ठीक है, तो करीबन 15-20 मिनट मुझे फ्लाइट में बैठे हो चुके थे और मुझे हल्का हल्का डर लगने लग गया था कि यार फ्लाइट उड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर हवा में जाएंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी बनी रहती है हमारे अंदर कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एडवाइस मैं देना चाहूँगा। एक्चुअली अगर आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं तो आप ईयरफोन्स अपने कानों में लगा ले और कुछ सॉन्ग वगैरह वीडियो को सुन ले, क्योंकि अगर आप जैसे फ्लाइट में बैठते हो तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा कि डर लगने लगेगा। तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप अपने मोबाइल को यूज़ में ले लीजिए। वहाँ पे आप जो वीडियोस वगैरह प्ले कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन में म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं करीबन जब फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी थी उसके 10 मिनट पहले मैं गाने सुनने लग गया था, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उससे पहले मेरा दिल धक 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 कर रहा था। एक्चुअली होता है कि हम विंडो सीट पे बैठे हैं, अगर अकेले बैठे हैं तो फिर थोड़ा बहुत फील होता है, थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ओके, मेरी फ़्लाइट 6 बजे की थी, तो 6 बजे से लेकर 15 मिनट तक तो वहाँ पे फ़्लाइट घूमती रही। मतलब हमारे फ़्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले 2 फ्लाइट लैंड कर रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी देरी हुई वहाँ पर। तो एयरपोर्ट जैसे ही फ़्लाइट वहाँ पर पहुँची, यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह या सीन वगैरह आप देख पा रहे हो, जैसे फ्लाइट वहाँ पहुंची तो मेरा दिल और ज़्यादा धड़कने लगा, मतलब मुझे डर और ज़्यादा लगने लगा। लोग कहते हैं कि लैंडिंग में ज़्यादा डर लगेगा आपको, पर मैं कहता हूँ कि आपको टेक ऑफ में ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि पहली बार उड़ान भरोगे तो टेक ऑफ में ज़्यादा डर लगेगा, लैंडिंग में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही फ्लाइट मेरी टेक ऑफ हुई तो मुझे हल्का फुल्का डर महसूस हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब थोड़ी फ्लाइट टेढ़ी हो जाती है ना यूँ, तो आप भी थोड़े टेढ़े हो जाओगे। वहाँ पे आपको एक सीट बेल्ट यहाँ पे बांधनी होगी, वो आपको बांधनी ही होगी, उसी को बांधने के बाद में आप आराम से यात्रा कर पाओगे और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। सॉन्ग सुनिए, म्यूजिक सुनिए, इंटरनेट की सुविधा आपको मिलेगी नहीं। एक्चुअली वहाँ पे फ्लाइट मोड पे फ़ोन को करना होता है तो इंटरनेट सुविधा मिलेगी नहीं। ऑफलाइन में आप म्यूजिक वगैरह ले जाइए। उसके बाद जैसे फ्लाइट उड़ने लगी तो हल्का फुल्का डर मुझे और लगने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये कैसे उड़ रही है, और मैं तो बिल्कुल ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। जैसे हवा में गए तो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता हूँ मैं वहाँ पे जाने के बाद में, हवा में जाने के बाद में हल्का फुल्का नॉर्मल हो गया कि हाँ हवा में चली गई। ठीक है, एक्चुअली जब जैसे फ्लाइट उड़ेगी तो आपका यू टर्न एक और फ्लाइट लेगी, मतलब यू टर्न फ्लाइट उड़ने के बाद में आप देखते होंगे फ्लाइट ऐसे करने के बाद में यू टर्न लेती है। जैसे पायलट ने एरोप्लेन यू किया तो मैं और डर गया कि यार ये क्या हो रहा है, गिर ना जाऊँ मैं, ऐसे कैसे हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो विंडो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि फ्लाइट ऐसे हो चुकी है। विंडो सीट में नहीं बैठे हो आप तो आपको इतना फील नहीं होगा, विंडो सीट पे बैठने के बाद में ही इतना महसूस होगा आपको। ओके, देन हवा में उड़ने लगे, उस टाइम मौसम ख़राब था तो मुझे बादल बिल्कुल पास से नज़र आ रहे थे, आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तो वहाँ से थोड़ी दूर बढ़ने के बाद में मैं कॉन्सनट्रेट अपना म्यूजिक पे करने लगा, मैं पुराने गाने सुन रहा था, तो वहाँ पे मैं मग्न होने लगा कि यार थोड़ा माइंड इधर कॉन्सनट्रेट करते हैं तो हो सकता है जो ये मेरे साथ परेशानी हो रही है तो उससे बच जाऊँ। मेरा दिल वास्तव में बहुत तेज से धड़क जा रहा था, मैं सोच रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या। ओके, थोड़ी देर बाद में उसी
फ्लो में उठने लगी फ्लाइट, थोड़ी देर बाद में ऐसा हुआ कि आपकी जो फ्लाइट थी समांतर चल रही है, उसके बाद थोड़ी ऊपर जाएगी ऐसे। ऊपर जाने के बाद में आप सोचोगे कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ब्लाइंड हो जाएगा। और कभी कभी फ्लाइट जब नीचे आएगी तो और ज़्यादा डर महसूस होगा आपको। नीचे का मतलब लैंडिंग नहीं, हवा में ही ऊपर नीचे होती है फ्लाइट। ऐसे जैसे ऊपर से नीचे आती है तो एकदम से हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का या फिर बॉडी का, वो नेचुरल नहीं पता और एकदम से सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है। उस समय आप खिड़की में ना झाके अपने मोबाइल में कुछ करते रहे या फिर वीडियो बनाते रहे, उससे आपको डर कम होगा। जैसे आप 10-5 मिनट या 15 मिनट आप फ्लाइट में उड़ जाओगे, उसके बाद में आप धीरे धीरे आप नॉर्मल होने लगोगे। अगर आपको डर अभी भी लग रहा है तो आप लंबी ब्रीथ लीजिए और ऑल इज़ वेल बोलिए, आपको गुड महसूस होने लगेगा। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी दूर आगे पहुँचे हम, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होने लगा कि हाँ अब मैं बेटर फील हो रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी क्लिप्स वहाँ पर रिकॉर्ड की, बद्दल यानी इनफैक्ट आपको बद्दल भी आपके पास में देखने को मिलेंगे, जो बद्दल है वो आपको पास में देखने को मिलेंगे। एंड मैंने यहाँ पे एक बात बताना भूल गया आपको, आपका जो बैग है हैंड बैग, वो आपको फ्लाइट के आपकी सीट के ऊपर रखना होगा या फिर अपनी जो सीट है उसके नीचे रख सकते हो आप। सो ओके, फ्लाइट उड़ रही थी और मुझे अच्छा महसूस हो रहा था कि मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा। उसके बाद में हुआ ये कि जो बद्दल वगैरह वो काफ़ी पास से गुजरने लगे, सनराइज का टाइम था और बद्दल भी काफ़ी पास से गुजर रहे थे क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश का था, तो मुझे बद्दल दिखाई दे रहे थे। तो मुझे और ज़्यादा अच्छा फील होने लगा कि यार जैसे मैं बचपन में देखता था कि एक फ़्लाइट उड़ रही है और मेरा आज एक सपना पूरा हो गया कि मैं फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ। करीबन 30 मिनट हवा में उड़ी फ़्लाइट और 40 मिनट में हम दिल्ली पहुँच गए। मतलब दिल्ली पहुँचने के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी फ़्लाइट लैंड करने वाली है, आप सीट बेल्ट वगैरह बांध लें और ढंग से बैठ जावे, आपकी जो चाय की टेबल है उसे भी ऊँची कर लेवे। ठीक है, फ़्लाइट लैंड ही करने वाली थी तो लैंडिंग के टाइम तो आपको इतना डर नहीं लगेगा जितना हवा में लग रहा था, उतना लैंडिंग के टाइम नहीं लगेगा। लोग कहते हैं कि लैंडिंग टाइम ज़्यादा डर लगता है, पर मैं कह रहा हूँ कि लैंडिंग के टाइम आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। फ्लाइट जैसे लैंड करेगी तो हल्का सा कुछ झटका महसूस होगा क्योंकि एकदम से हवा में से नीचे स्पीड में बुड़केगा, तो डायरेक्टली वहाँ पर डर तो महसूस होगा या आपको डर महसूस होगा। फिर ऐसे करके मैं फ़्लाइट से पहुँच गया, उसके वहाँ से उतरने के बाद मैं आपको वापस इंडिगो की बस लेने आएगी, जो इंडिगो फ्लाइट थी इंडिगो की बस लेने आएगी। वो बस आपको वहाँ से आपके एयरपोर्ट है एयरपोर्ट के वहाँ तक छोड़ देगी। एयरपोर्ट टर्मिनल 1D पे आया था मैं, 1D पे आने के बाद में आगे अगर आपका चेक इन बैग है तो वो वहाँ पे वेट कीजिए, जो वहाँ पे गोल गोल रहता है वहाँ पे बैग आने वाला होगा और उसके बाद में आप उसको बैग को लेके आप आराम से घर जा सकते हो। तो इतना ईजी रहता है, मैंने 13 मिनट में पूरी चीज़ें बता दी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। डर लगे तो गाने सुनिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।